हम इस पर रहना वाली इलाके में मौजूद है जहां पर आज रात के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ दो मिलिटेंट को मारा गया और एक का नाम जहां तक शिनाख्त हुई है फिलहाल अहमद बताया जाता है और दूसरा जो मिलिटेंट है वो रईस अहमद भट्ट बतौर शिनाख्त हुई है। आप देख सकते हैं कि यही वो स्पॉट है जो आज रात के दौरान 1 बजे रात के दौरान जो झड़प में दो मिलिटेंट यहाँ पर मारे गए जो सिक्योरिटी फोर्स ने कल रात दावा किया। हम आपको दिखा सकते हैं कि यही वो स्पॉट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गोलियों के निशान है जो ब्रीफ शूट आउट के दौरान जो दो मिलिटेंट कल मारे गए जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जाता है और जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के रहने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि दिखाएंगे कि यहाँ पर जो फायर के निशान है बिल्कुल ये बिल्कुल डाउनटाउन एरिया का एक इलाका है रैनावारी। आपको हम बताएं कि कुछ रोज़ कबल एक ग्रेनेड ब्लास्ट यहाँ पर हुआ जिसके दौरान 5 से 7 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो है वो जख्मी हुए। आप देख सकते हैं कि आज रात के दौरान 1 बजे बिल्कुल यहाँ पर एक ब्रीफ शूट आउट के दौरान दो मिलिटेंटों को मारा गया जिनका बराह रास्त ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जाता है। बतौर पुलिस के मुताबिक ये दो जो मिलिटेंट थे ये 2021 से सरगर्म थे, लश्कर तैयबा से वाबस्तगी थी इनकी और एक का ताल्लुक जो एक साल कबल जो एक सहाफ़ी था जो एक न्यूज़ पोर्टल चला रहा था वैली न्यूज़ सर्विस जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से जिसका ताल्लुक था और सहाफ़ी होने के बाद उसने मिलिटेंट रैंक्स जो है वो ज्वाइन किया है, लश्कर तैयबा से वाबस्तगी उसकी थी और कुछ महीने कबल तो रिसेंटली जो रैनावारी के अंदर जो ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ वो बराए रास्त उसकी इन्वॉल्वमेंट उसी मिलिटेंट की थी जो रईस अहमद भट्ट बताया जाता है। अर्शद मीर, कश्मीर हेडलाइंस, श्रीनगर।